काजू कतली एक ऐसी मिठाई है जो सबको पसंद आती है। तो बिना घी, बिना चाशनी, सिर्फ काजू और चीनी से बनाएंगे दिवाली की सबसे पसंदीदा मिठाई। तो इस त्योहार काजू कतली बाजार से न लाएं, इस तरीके से घर में बनाएं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रश्मि और कुक योर फूड में आप सभी का स्वागत है। तो काजू कतली बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है अच्छी क्वालिटी का काजू। उसी से इसका रंग अच्छा आएगा और काजू कतली नरम बनेगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप काजू। आप चाहें तो टुकड़ा काजू भी यूज कर सकते हैं, बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हम इसमें पानी डालकर इसको 2-3 बार अच्छे से धो लेंगे, जिससे कि जो भी इसमें डस्ट वगैरह लगा है वो एकदम क्लीन हो जाए। हमें इसका कोई पाउडर नहीं बनाना है, बस इसको अच्छे से धो लेना है, जिससे कि जो भी डस्ट है वो निकल जाए और काजू एकदम साफ हो जाए। और इस तरह से चेक कर लें, अगर किसी काजू में दाग है या काला है तो उसको निकाल दें। उसके बाद इसमें पानी डालकर इसे हमें भिगोना है। तो ऊपर तक पानी डाल दिया है, इसे ढक करके 2.5 से 3 घंटे के लिए भीगने देंगे। भिगोने से क्या होता है कि काजू का जो कलर है वो थोड़ा सा और लाइट हो जाता है और काजू भी सॉफ्ट हो जाता है, जिससे कि बाद में इसको पीसने में आसानी रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 घंटे के बाद काजू अच्छे से फूल गया है। उसके बाद हम इसको ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। अभी पानी नहीं डाला है, अभी सिर्फ काजू डाला है। तो काजू को ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे और बाद में जैसी जरूरत होगी वैसे पानी डालेंगे। और ग्राइंड करते समय ध्यान दीजिएगा कि इसको लगातार नहीं चलाना है मिक्सी को, इसको हमें पल्स मोड पे चलाना है। थोड़ा सा चला के बंद कर देना है और फिर चलाना है। तो इसी तरह से हम काजू को ग्राइंड करेंगे, जिससे कि ये गर्म ना हो। तो यहाँ पे ये हल्का ग्राइंड हो गया है। अब इसमें डाल देंगे 3 बड़ा चम्मच पानी। तो इस तरह से इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। बहुत फाइन नहीं किया है इसको, हल्का सा दरदरा रखा है। और इसको बनाने में 4 बड़ा चम्मच पानी यूज किया है। उसके बाद इस पेस्ट को एक पैन में डाल देंगे। अच्छे से निकाल करके सारे पेस्ट को इसी में डाल देंगे। इसे हमें अभी गैस पे नहीं चढ़ाना है, अभी इसी समय हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पे मैंने चीनी का पाउडर यूज किया है, 1 कप से थोड़ा कम है। और चीनी को यहीं पे अच्छे से मिला लेंगे। काजू का पाउडर बना के जब हम कतली बनाते हैं तो पीसते समय कभी कभी काजू ज्यादा पिस जाता है, जिसकी वजह से चिपकने लगता है और उसको छानने में दिक्कत आती है। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिला लिया है, उसके बाद गैस पे चढ़ा दिया है और फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखेंगे। और लो फ्लेम पर हमें इसे लगातार चलाना है, क्योंकि काजू बहुत स्टिकी होता है तो ये तुरंत ही चिपकने लगता है। और इसे हमें तब तक चलाना है जब तक कि जो ये मिक्स है वो पैन को छोड़ ना दे, तभी ये समझेंगे कि अच्छे से कुक हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैन हल्का सा इस तरह से छूटना शुरू हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा पोर्शन इस तरह से चम्मच से लेंगे, इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे, बिल्कुल गर्म में इसको टच नहीं करेंगे। और हल्का ठंडा हो जाए तब इस तरह से इसका एक बॉल बना के देखेंगे। अगर ये बिल्कुल स्मूथ बॉल बन रहा है, इसका मतलब ये तैयार है। उसके बाद आप कोई बटर पेपर या फिर प्लास्टिक शीट ले लें, जिसमें हमें इस मिक्स को गूंदना है। तो यहाँ पे मैंने ये चॉकलेट का रैपर लिया है, इसको बीच में से कट करके खोल लिया है और इसी में हम इस मोल्ड को गूंदेंगे। तो इस तरह से इसको खोल लिया है और ये सारा मिक्स इसमें डाल देंगे। अब ये गर्म है तो इसको हाथ से टच नहीं कर सकते, इसी शीट से इसको फोल्ड करते हुए, इस तरह से प्रेस करते हुए एकदम स्मूथ कर लेंगे। इसको स्मूथ करना इसलिए भी ज़रूरी है कि बाद में जब इसको हम बेलेंगे और कतली का शेप देंगे तब ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। तो इसी वक्त हम इसको अच्छे से फोल्ड करके स्मूथ कर लेंगे। उसके बाद इसको बेलने के लिए आप चाहें तो कोई बटर पेपर ले लें या फिर घर की थाली ले लें और उसको उल्टा कर दें। यहाँ पे मैंने ये मिठाई बनाने वाला ट्रे लिया है, इसको उल्टा करके पीछे की तरफ इसमें लगा दिया है हल्का सा घी, जिससे कि ये चिपके ना। उसके बाद इस मोल्ड को इसके ऊपर रख करके हल्का हल्का बेल लेंगे। तो इसको हमें चारों तरफ से बेल लेना है और इसको एक स्क्वायर या रेक्टेंगल का शेप देना है। थिकनेस इतनी रखनी है जैसे कि काजू कतली की होती है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से इसको फैलाते जाएंगे। और हाँ, इसको पकाते समय ध्यान देना है कि इसको ओवर कुक नहीं करना है। एक बार ये पैन को छोड़ने लगे और इसका स्मूथ बॉल बनने लगे, उसके बाद तुरंत ही इसको पैन से निकाल देंगे, क्योंकि अगर इसको हम ओवर कुक कर देंगे तो ये बाद में ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको रेक्टेंगल का शेप दे दिया है और इस तरह से साइड्स को बराबर कर लेंगे, जैसे कि प्रॉपर कतली के शेप में आ जाए। तो इसको चारों तरफ से बराबर कर लिया है और इसके बाद हम इसको तुरंत काटेंगे नहीं,
इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि इसमें थोड़ा हवा लग जाए और ये सेट हो जाए। तो इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, उसके बाद इसको कट करेंगे। और 15 मिनट के बाद इसके ऊपर लगा देंगे चांदी का वर्क, अगर है तो लगाइए, नहीं तो इसके बिना भी इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से सावधानी से इसको चिपका दिया है और पूरे को इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इसको चिपकाने से ये बिल्कुल बाजार वाली मिठाई की तरह दिखने लगता है। उसके बाद हमें इसे कट करना है, तो कोई स्केल ले लें और इस तरह से जैसे काजू कतली का साइज होता है उस हिसाब से इसको कट कर लें। तो इस तरह से बराबर की चौड़ाई में इसको एक तरफ कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल सावधानी से काट रही हूँ, अगर आइडिया हो तो आप इसको फटाफट भी कर सकते हैं। और एक तरफ पूरा मैंने काट लिया है, उसके बाद इस तरह से इसको डायगोनली सेम तरीके से काट लेंगे। और ये देखिए, दोनों तरफ से काटने के बाद एकदम परफेक्ट काजू कतली वाला शेप आ गया है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। एकदम सॉफ्ट, स्मूथ और एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है ये। अभी ये हल्का सा सॉफ्ट है, थोड़ी देर रखने के बाद ये थोड़ा और फर्म हो जाएगा। तो इस दिवाली काजू कतली आप बाहर से न लाएं, इस आसान और शुद्ध तरीके से इसको घर पे बनाएं। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आप खुश रहें और स्वस्थ रहें।